तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस वक्त हूँ मऊ डाइट में, बतौर पीएस अधिकारी डाइट में मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। तो डाइट में रहते हुए मैं यहाँ के बेसिक विद्यालयों में क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, मऊ जिले की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन ला सकता हूँ, ये तो देखने वाली ही बात होगी। हालांकि थोड़ी सी मेरी शक्तियाँ सीमित है, लेकिन उन्हीं सीमित शक्तियों में मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा बहुत जो भी परिवर्तन अगर मेरे स्तर से हो पाए, बेसिक विद्यालयों में जो सुधार कुछ हो पाए तो पूरा करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो क्रिएटिविटी मैंने अपने प्राइमरी विद्यालयों में दी है मैं यहाँ पर दे पाऊँ, ताकि कुछ शिक्षा व्यवस्था में क्या हो सके, यहाँ पे बदलाव हो सके। हालांकि मेरी शक्तियाँ सीमित है और मैं पूरी तरीके से दिशा निर्देशित होता हूँ SCERT से। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि ये SCERT का कितना सहयोग और समर्थन मुझे मिल पाता है, क्योंकि मेरे अधिकारीगण वहाँ पे हैं, वो जैसा दिशा निर्देश देंगे कि उन्हीं के दिशा निर्देश में मुझे क्या करना है, यहाँ पे कार्य करना है। तो कितना सहयोग मुझे लखनऊ से मिल पा रहा है, कितना सहयोग मुझे अपने अधिकारियों से मिल पा रहा है, और साथ ही साथ कितना सहयोग डाइट में जो प्रवक्तागण है उनसे मिल पाएगा, जो मऊ जिले के जो प्राथमिक अध्यापक हैं उनसे मिल पा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। तभी जाके एक कलेक्टिव एफर्ट से क्या कर सकते हैं हम इस जिले की शिक्षा व्यवस्था को बदल सकते हैं। आइए फिलहाल हम मऊ जिले को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी नए जिले में आना, क्योंकि महाराजगंज जिले के बारे में मुझे सारी कुछ चीजें पता थी, लेकिन मऊ जिले में आने के बाद पहले मऊ जिले को समझना होगा कि मऊ जिले में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या यहाँ पे स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की। तो यहाँ पे अगर यहाँ देखने का प्रयास करें तो क्या आधार हो, क्या बेस हो कि हम मऊ जिले को हम समझ पाए कि मऊ जिले की शिक्षा व्यवस्था है क्या। तो एक आधार है आपका निपुण आकलन, जो हमारा निपुण असेसमेंट हुआ था पिछले वर्ष, उस निपुण असेसमेंट के जरिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो मऊ जिला है वो शिक्षा व्यवस्था में किस पायदान पर आता है, किस लेवल पे आता है, ताकि इसके अनुसार हम अपनी आगे की रणनीति को क्या कर सके, बना सके। हालांकि ये पूरा वीडियो अध्यापकों के लिए ही है, ताकि अध्यापक समझ पाए कि उनके उनके जिले, उनके स्कूल जो है या फिर उनका ब्लॉक है, उनके ब्लॉक की स्थिति क्या है, उनके स्कूल की स्थिति क्या है, ताकि उसके आधार पर हम काम कर सके। हालांकि कुछ आम लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आम लोग भी समझ पाएंगे कि मऊ जिले में जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस स्थान पे अपना स्थान मतलब रखता है। ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है हमारा मऊ जिला, और मऊ जिले में कुल हमारे 9 ब्लॉक हैं। देखा जाए तो 9 ब्लॉक हैं, और 9 ब्लॉक के साथ एक हमारा क्या है, नगर क्षेत्र को क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है। तो 9 ब्लॉक में देखिए एक परदहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैप की बात कर लें, ठीक है, इसको अगर मैप की बात कर लें तो ये हमारा क्या है, देखा जाए मैप अगर देखें अगर आप यहाँ पे, तो ये जो हमारा जो मेन सेंटर है, ये जो मेन सेंटर जो हमारा आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये मऊ यहाँ पे है, यहीं पे सारे विभाग, यहाँ पे जो सारे कार्यालय हैं, जो सारे ऑफिस हैं, ये मऊ में जो मेन सेंटर हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, बगल में आपका रानीपुर है, ये मोहम्मदाबाद गोहना है, ये कोपागंज है, ये रतनपुरा है, ये मधुबन है, घोसी है, वडराव है, ये धोरी घाट है, या फतेहपुर मंडाव है। मतलब कि देखिए एक समस्या तो यहाँ भी आती है कि हमारा जो जो केंद्र है वो थोड़ा वो नीचे पड़ जाता है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंस्पेक्शन हो रहा है वो संभव नहीं हो पाता। ये सारे एरिया में तो हमारे इंस्पेक्शन अच्छे से हो जा रहा है, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं, जो किनारे वाले एरियाज हैं, मान लीजिए धोरी घाट का ये एरिया हो गया, फतेहपुर मंडाव का, ये सब एरियाज हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा इंस्पेक्शन क्या होता है, कम हो पाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम क्या करना है कि ये सारे जो ब्लॉक्स हैं, सारे ब्लॉक्स में समान तरीके का जो सुपरविजन है वो अच्छे तरीके से हो पाए, समान तरीके से जो हमारा निरीक्षण है वो तरीके से हो पाए, तब निश्चित तौर पे क्या हो सकता है, कुछ तस्वीर बदल सकती है। तो ये हमने समझ लिया कि हमारा कुल मिला के ये हमारा मऊ जिला है, मऊ जिले में 9 ब्लॉक हैं, और 9 ब्लॉक में क्या है, और एक हमारा क्या है, नगर क्षेत्र क्या है, इसी यहीं पर नगर क्षेत्र है, क्या कर देगा, इसको ऐड किया गया है चीज़ों को संभालने के लिए। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखने का प्रयास करें, अब देखिए निपुण असेसमेंट क्या है, कुछ कुछ लोगों को ये थोड़ा सा समझना होगा, देखिए बंद हो गया, हाँ तो ये हमारा PPT बंद हो गया था, तो फिर इसको शुरू करते हैं। तो ये कि ये हमारा मऊ जिला है, मऊ जिले में आपके 9 ब्लॉक है, और एक हमारा क्या है, नगर क्षेत्र है। अब चूंकि निपुण आकलन हमको हमारा जो बेस है, हमारा जो आधार है वो क्या है, निपुण आकलन है। तो निपुण आकलन चूंकि अध्यापक वर्ग तो हमारा समझ ही रहा है, लेकिन जो आम आदमी शायद वो ना समझ पाए, तो ये जान ले कि हमारा निपुण एक लक्ष्य है जो 2026-27 तक भारत सरकार ने क्या है, इसको रखा हुआ है।
ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल आप ये इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आप ये जान लें कि जो सिंपल बच्चा पढ़ लेता है, सिंपल जोड़ घटाना या फिर सिंपल जो अंकगणितीय गणना है वो आप कर लेता है, वो आपका निपुण माना जाएगा। इसको अगर आप देखना चाहें तो भाषा, देखिए भाषा में और क्या है आपका ये गणित में, ठीक है, दो चीजों में, भाषा में हिंदी भाषा को रखा गया है, इंग्लिश को भी छोड़ा गया है, इंग्लिश अभी है नहीं, केवल हिंदी भाषा को हम लोग फोकस करेंगे, मतलब जो लक्ष्य आया वो फोकस करना है, और गणित में क्या करना है हमको फोकस करना है, यानी हिंदी और गणित, ठीक है। तो कक्षा एक में देखिए वही है, चार पांच सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं वही, मतलब ठीक है। कक्षा दो में देखिए 45 से 60 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह से पढ़ लेते हैं, प्रति मिनट अगर 45 से 60 शब्द पढ़ लेता है तो वो निपुण माना जाएगा। कक्षा तीन में देखा जाए तो न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट अगर पढ़ लेता है बच्चा तो उसे निपुण माना जाएगा, ठीक है। वही हाल अगर गणित की बात कर लें तो कक्षा एक की बात कर लें तो 99 अंक तक संख्या पढ़ लेता है, और सरल आसानी वाला जो बहुत आसान हो जोड़ घटाना उसको कर लेता है। कक्षा दो की बात कर लें तो 999 तक की संख्या पढ़ लेते लिख लेते हैं, और 99 तक की संख्याओं का क्या करते हैं घटाओ या क्या करते हैं वो कर लेते हैं। कक्षा तीन की बात कर लें तो 9999 तक की संख्याओं पढ़ लिख लेते हैं, और सरल गुणा समस्या क्या करते हैं वो हल कर लेते हैं। मतलब कि सिंपल अगर बात कर लें आप तो सिंपल बच्चा पढ़ लेता है, सिंपल अंकगणितीय जो गणना है वो कर लेता है, तो क्या कहा जाए उसे निपुण माना जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या रहा, मतलब कि हमारा ये जो आधार रहा, इस आधार पर पिछले वर्ष जब निपुण असेसमेंट मऊ जिले में हुआ तो मऊ जिले की स्थिति हमारी क्या थी। सबसे पहले हम देखेंगे मऊ क्या है, ये देखिए मऊ जिले में जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी क्या स्थिति यहाँ पे देखा जाए तो आप ये देख लें यहाँ पे कि मऊ जिले में 1208 विद्यालय हैं, कुल अगर कुल प्रसिद्धि विद्यालयों की बात कर ली जाए तो मऊ जिले में 1208 विद्यालय यहाँ पे है, उसमें प्राथमिक 757 है, उच्च प्राथमिक 159 है, कंपोजिट इसी मान लिया जाए तो 292 आपके आसपास हो जाएंगे। तो कुछ हमारे 1208 क्या है आपके विद्यालय है, ठीक है। अब देखिए 1208 विद्यालय में अगर कुल अध्यापकों की बात करना है तो 7660 क्या है अध्यापक, यानी 1208 क्या है आपके विद्यालय विद्यालय है और 7000 आपके 660 क्या है आपके अध्यापक है। अगर हम रेशियो अनुपात अगर निकालें तो 6 अध्यापक के आसपास प्रति विद्यालय क्या होगा हमको मिलेगा डाटा कि हर विद्यालय में 6 अध्यापक मौजूद है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये तो ऐसे ओवरऑल की संख्या मान, और ये इसी तरह का डाटा कुछ हाई कमान तक पहुंचता है, और क्या होता है वहां से कुछ रणनीतियां अच्छे तरीके से बन नहीं पाती, ठीक है। इस तरह ये डाटा हम देख रहे हैं तो हम प्राप्त कर पाए, अरे ये तुम्हारा क्या है कि 6 अध्यापक प्रति स्कूल में मौजूद, लेकिन ऐसा है नहीं जानते, कहीं कहीं किसी किसी विद्यालयों में 10 अध्यापक हैं, 11 अध्यापक हैं, और कहीं कहीं विद्यालय ऐसा है जहाँ केवल शिक्षा मित्र के भरोसे क्या हो रहा है विद्यालय क्या हो रहा है आपका चल रहा है। तो ये थोड़ा सा हालांकि अब समायोजन होने वाला है, शायद जो बेसिक कार्यालय है वहाँ पे कुछ नियम कानून ऐसे आए हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे समायोजन की बात चल रही है कि अब जो स्कूल खुलेगा तो समायोजन के साथ अध्यापकों का समायोजन करके जहाँ पे कम अध्यापक है वहाँ पे क्या किया जाएगा को भेजने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये देखिए कहाँ तक सफल हो पाता है कहाँ तक नहीं सफल हो पाता है। हालांकि जो जितने भी BSc लोग हैं उनको ये अधिकार देना चाहिए ताकि अपने स्तर पे कर सकें, वो अपने अनुसार क्या कर सकें, अध्यापकों को अपने अपने यहाँ पे भेज सकें ताकि उस जिले की अच्छी व्यवस्था वहाँ पे हो सके। और ये बहुत जरूरी भी है कि जो अनुपात समानुपात है वो बेहतर तरीके से बना रहे। अब किसी विद्यालय में 10-11 अध्यापक है और कहीं कहीं अध्यापक ही नहीं है, तो इस तरीके से कोई नहीं चल पाएगा। और आपको मैं बात बता दूं, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, अभी अभी मैंने ये बताया था ये कि ये जो आपका नगर क्षेत्र है, या ये जो आपका नगर क्षेत्र है, ठीक है, इस नगर क्षेत्र में क्या है बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे जो शिक्षा मित्र के भरोसे जो स्कूल चल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पे अध्यापकों की बहुत ही कमी है। अगर हो सकता है कि बीएससी साहब के पास अगर अधिकार होंगे या फिर उनके पास जैसा भी दिशा निर्देश मिलेगा उनको, वो क्या करेंगे यहाँ पे अध्यापकों का समायोजन करने का प्रयास करेंगे, और ये बहुत जरूरी भी है ताकि एक सही अनुपात समानुपात विद्यालय में का बन पाए, ठीक है। अब देखिए ये है कि हर ब्लॉक वाइज जो ARPs हैं, ठीक है, जो ARPs लोग होते हैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, ठीक है, इनकी इनको बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ये स्कूलों में जाएं, उनका सपोर्टिव सुपरविजन करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं, और अपने अपने उनका जो विषय है उन विषयों के आधार पर क्या करें उनको मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। तो देखा जाए तो देखिए हर ब्लॉक में, परधा में 5 हैं, रानीपुर में 5 हैं, रतनपुरा में 5 है, घोसी में 5 है, मतलब ऐसे, मतलब कुल 44 जो ARPs हैं वो क्या है यहाँ पे
पूरे मऊ जिले में 44 ARPs हैं, जो अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने एरियाज में, जो उनके जो साथी हैं, जो साथी अध्यापक हैं, उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करने का प्रयास वो करते हैं। हालांकि बहुत ही ज़्यादा सूचनाएं आती रहती हैं, जैसे ARP लोग और BU लोग, जो जो भी लोग BU लोग हैं, जो जो ARP लोग हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कोऑर्डिनेशन अच्छे से बन नहीं पा रहा है, ताकि कुछ समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारे, हमने 44 ARP हो गए, अब आगे हम देखने का प्रयास करेंगे क्या है स्थिति। अब ध्यान रहे एक बात और, कि हर ARP को, ठीक है, हर ARP को 10 विद्यालय दिए गए, यानी कि 10 विद्यालय दिए गए हैं, इनके इनके पास 50 विद्यालय थे, ठीक है, हर विद्यालय, हर जो ARP है उनको 10 विद्यालय कहा गया कि आप 10 विद्यालय को गोद लीजिए और 10 विद्यालय को आप बेहतर सुधार करने का प्रयास करिए। तो देखा जाए तो हर यानी कि प्रधान में 50 विद्यालय ARP के भरोसे हैं, मतलब उनके सपोर्ट में है, उनके सुपरविजन में है, उनके मार्गदर्शन में है, ऐसा कहा जाए। तो रानीपुर में 50 हो गए, यहाँ भी 5 हो गए, यहाँ 40 हो गए, यहाँ 50 50 40 50 50 और 10, ठीक है, ऐसे क्या है कि ARP लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में 10 विद्यालयों को कम से कम क्या करेंगे, मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे और उन्हें निपुण बनाने का करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन ये हुआ नहीं, ये देखा जाए तो, हालांकि ये देखिए, ये अगर देखा जाए मऊ जिले की बात करें अगर, ठीक है, तो मऊ जिले में जो हमारा जो निपुण निकल के आया, जो निपुण डाटा जो हमारा निकल के आया, वो मात्र क्या है, 28% है, केवल 28%। और हमें 100% निपुण करना है, ध्यान रहिए 2026-27 तक हमें 100% करना है, लेकिन अभी जो हमारा पिछला जो निपुण असेसमेंट हुआ, वो मात्र क्या है, 28% डाटा है। और ये भी 28% डाटा, ये मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि मैंने ये डाटा, हो सकता है कि मैंने कुछ डैट के जो बच्चे थे, जो पुराने बच्चे थे, उनसे मैंने पूछने का प्रयास किया, या फिर मैंने कहीं और भी जो हमारे जो सहयोगी हैं, जो बहुत ही करीबी हैं, उनसे मैंने पूछने का प्रयास किया, तो ये हुआ कहीं कहीं थोड़ा सा बहुत बहुत दिक्कतें आई हैं इस डाटा को लेकर। हालांकि धरातल पर डाटा तो हमें सामने दिख रहा है, लेकिन ये पूरा डाटा होगा नहीं, ये डाटा इससे थोड़ा सा कम होगा, जो वास्तविक डाटा होगा वो थोड़ा सा इससे कम होगा, और ये सही डाटा अब निकल कर सामने आएगा, क्योंकि मैं मऊ डाइट में हूँ और इस बार जो हमारे जो डाइट के प्रशिक्षु हैं, जो इस बार जो असेसमेंट करने जाएंगे, वो पूरे तरीके से 100% क्या करेंगे, सही डाटा क्या करेंगे इस बार लेके आएंगे। इस बार जो डाटा आएगा वो आपको देखना लायक होगा, हो सकता है इससे कम हो, ये कम भले ही होगा, लेकिन सही डाटा निकल के, हम पूरा, हम तो पूरा प्रयास करेंगे यहाँ रहते हुए कि 28% से डाटा बढ़ा के हम और आगे निकलने का प्रयास करें। लेकिन जो डाटा या फिर कम बढ़े या फिर न बढ़े, ठीक है, अभी जो भी डाटा है वो डाटा मान के चलिए एक एग्जैक्ट डाटा निकल के आएगा, और होना भी चाहिए कि एग्जैक्ट डाटा निकल के सामने आने चाहिए, तभी तो हम अपने अधिकारीगण को बताएंगे, जो हमारा हाई कमान है उनको बताएंगे, उनके पास जब एग्जैक्ट डाटा जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसी हिसाब से क्या करेंगे, रणनीति बना के वो देंगे, उसी उन्हीं के निर्देश पर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब हमें जब गलत डाटा देंगे, यहीं से जब गलत डाटा वहां पर जाएगा, तो उनकी जो रणनीति होगी वो भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे सुधार भले हो चाहे न हो, ये अलग बात है, सुधार कितना करना है कितना नहीं करना है, कम से कम डाटा जो है वो तो एग्जैक्ट यहाँ से भेजा जाए, ताकि ऊपर के जो हमारे अधिकारीगण हैं उनके पास सही डाटा जाए, और उनकी जो रणनीति हो, जो वो बना के जो भेजें, तो वो रणनीति यहाँ पे धरातल पे आके फ्लॉप ना हो। मैं कोशिश ये करूंगा कि इस डाट में रहते हुए कि ये जो डाटा है, इस डाटा को क्या करें, सही करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितना सही हो पाता है कितना सही नहीं हो पाता है। तो हमने क्या देखा, 28% क्या है, अभी देखा जाए तो 28% हमारा मऊ जो है वो निपुण है, और 72% क्या है, अभी भी क्या है, निपुण नहीं है, और इसी को क्या करना है हमको 2026-27 तक क्या करना है, निपुण करने का प्रयास करना है। अब देखते हैं 26-27 तक हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है, अगर नहीं हो पाएगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये जो वर्ष है इसको थोड़ा सा मुझे लगता है बढ़ाया जाएगा, 26-27 से 27-28 किया जाएगा, 28-29 किया जाएगा, जो भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे लगता है बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 72% क्या है, बच्चे क्या है, अभी भी क्या है, निपुण नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए वही बात मैंने कहा कि हर ब्लॉक में, देखिए अब देखिए हर ब्लॉक शिक्षक संकुल भी, शिक्षक संकुल आप ये समझिए कि कुछ विद्यालयों के समूह हैं, उन समूह के जो नेतृत्व करता है उनको शिक्षक संकुल कहा जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो 4 ARPs है और 45 हमारे शिक्षक संकुल है, कुल मिला के देखा जाए तो 44 ARP आपके हो जाएंगे और 465 क्या हो जाएंगे, शिक्षक संकुल हो जाएंगे। अब देखिए 465 और 44, मान के चलिए कि 500 के आसपास की संख्या है, लेकिन हमारा जो विद्यालय निपुण हुआ वो मात्र क्या है, 228 है, ठीक
ठीक है, अगर एक एक विद्यालय भी यहाँ से निपुण हो गया रहता तो यहाँ पे संख्या जो होती है वहाँ 500 हो गई होती, लेकिन ये हो नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, इस बार करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये डाटा सब डाटा समझिए, थोड़ा सा हम चार्ट पैराग्राफ में समझने का प्रयास करेंगे कहाँ पे क्या समस्याएं आ रही हैं। अब देखिए ये जो है हमारा 77 स्कूलों का हमारा असेसमेंट हुआ, ठीक है, 77 स्कूलों क्या हुआ हमारा असेसमेंट हुआ, और उसमें जो एआरपी ब्लॉक वाइज की बात मैं कर रहा हूँ, ये घोसी की बात हो रही है, ठीक है, घोसी की बात हो रही है। घोसी में 77 विद्यालयों का निपुण हुआ। अब मान लीजिए शिक्षक संकुल केवल 14 हुए और एआरपी केवल 3 हुए, यानी एआरपी के मान लीजिए अगर घोसी में अगर 40 एआरपी थे तो 40 सॉरी 4 एआरपी थे तो उनके 40 विद्यालय थे, उन 40 विद्यालयों में केवल 3 विद्यालय क्या हो पाए निपुण हो पाए, और शिक्षक संकुल में क्या हो 14 विद्यालय निपुण हो पाए। उस वही हाल हमारा धोरी घाट में है, धोरी घाट में केवल 8 और 14 हुए, जबकि हमारा 92 का असेसमेंट हमारा हुआ था। फतेहपुर मंडाव की बात कर लें तो 112 हमारा विद्यालयों का असेसमेंट हुआ, जिसमें एआरपी के 8 और शिक्षक संकुल के 12 हुए। मोहम्मदाबाद गोहना की बात कर लें तो 101 विद्यालय हुआ और यहाँ पे 8 हमारे शिक्षक संकुल के और 10 हमारे एआरपी के हुए। वही हाल देखा जाए तो कुल मिला के ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ हमारा बहुत ही नीचे है, हमारा असेसमेंट कितने स्कूलों का हो रहा है, लेकिन हमारा जो नीचे वाला जो ग्राफ है यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम हमारा बनता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के थोड़ी सी स्थिति मुझे लगता है थोड़ी सी कमजोर है और इसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। देखिए वही हाल एआरपी वाला मैंने बताया, 40 एआरपी में 3 विद्यालय निपुण हुए, 50 में 8 हुए, यहाँ 50 में 10 हुए, 40 में 6 हुए, 50 में 7 हुए, 10 में 1 हुआ, 50 में 19 हुए, 50 में 9 हुए और 50 में 22 हुए। ठीक है, तो 50 मतलब 5 एआरपी ने अगर 10-10 विद्यालय को गोद लिया था तो उनके 50 विद्यालय हुए, उन 50 विद्यालयों में हमारे ये डाटा क्या हो रहा निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए घोसी की बात कर ले, ठीक है, घोसी में हमारा जो है केवल 17 विद्यालय निपुण है, 77 विद्यालयों का हमारा निपुण असेसमेंट हुआ, तो अब कुल विद्यालय की बात कर रहा है। ठीक है, घोसी में 77 विद्यालय में 17 विद्यालय निपुण है, 92 में 22 विद्यालय निपुण है, ठीक है, 112 में 20 विद्यालय निपुण है, 101 में 18 विद्यालय निपुण है, 77 में 16 विद्यालय निपुण है, 86 में 14 विद्यालय निपुण है। ठीक है, उसी तरह 15 में यहाँ पे दो ही विद्यालय या फिर मुझे लगता है कि निपुण है, एक विद्यालय निपुण है, डाटा थोड़ा देखना पड़ेगा। 106 में 39 विद्यालय निपुण है, 60 में यहाँ पे 33 विद्यालय निपुण है, और 98 में क्या है आपका 47 विद्यालय क्या है आपके यहाँ पे निपुण दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपके सामने डाटा दिख रहा है। अब देखिए अब बच्चों के परसेंटेज वाइज, हमने तो स्कूल वाइज देख लिया, अब परसेंटेज वाइज बात कर लें तो उसमें जो परदहा है, जो परदहा का जो स्थान दिख रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 55% बच्चे क्या है ज्यादा इसमें निपुण है, परदहा है, उसके बाद रतनपुरा है, उसके बाद ये टॉप 3 हमारे विद्यालय है जो स्कूल वाइज नहीं बच्चों के परसेंटेज वाइज जो है क्या कहें उनका जो विद्यालय क्या है ज्यादा निपुण वहाँ पे देखा जा रहा है। बाकी नगर क्षेत्र में आप देख ही रहे हैं 13% है, कोपागंज में 16% है, मोहम्मदाबाद गुना में 17% है, ये टॉप 3 यहाँ पे देखे जा रहे हैं, टॉप वहाँ पे बॉटम 3 देखे जा रहे हैं, टॉप 3 यहाँ पे है, बॉटम 3 यहाँ पे है। तो ये हमारा डाटा स्कूल है, जो हम डाटा के हिसाब से क्या करेंगे, देखिए जो डाटा हमारा है अब इसी, चूंकि ये डाटा कैसा हुआ, कैसा निकला, कैसा नहीं निकला, कई सारी शिकायतें आई कि हमारा ऐप नहीं काम कर रहा था, तो बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, जो बच्चे असेसमेंट करने आए थे उनकी वजह से उन चीज़ से थोड़ी गलतियाँ हो गई, वो हमारा डाटा सही निकल पाया। ठीक है, तो कई सारी समस्याएं वहाँ पे रही, लेकिन फिर भी डाटा हमारा यही निकल के आया है, हम इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे देखें, अब नंबर ऑफ स्कूल की बात करें, क्या कहते हैं ये निपुण की, तो रतनपुरा और रानीपुर और मोहम्मदाबाद गोहना ये टॉप 3 हमारे विद्यालय हैं, यहाँ 22 विद्यालय निपुण है, ये 22 विद्यालय यहाँ निपुण है, रतनपुरा में, रानीपुर में 19 है, और मोहम्मदाबाद गोहना में क्या है आपके 10 विद्यालय क्या है निपुण है, ये टॉप 3 आपके विद्यालय क्या है। और बॉटम 3 आप देख ही रहे हैं, घोसी में जैसा मैंने बताया था बहुत कम है, नगर क्षेत्र में भी बहुत कम है, एक विद्यालय है, क्योंकि यहाँ पे तो शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, कई विद्यालय शिक्षक विहीन है, तो अब यहाँ पे क्या ही कहा सकता है। लेकिन यहाँ पे घोसी में, घोसी एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ मैंने पता किया है, पता चला कि यहाँ पे शिक्षकों की जो संख्या है वो काफ़ी पर्याप्त है, ठीक ठाक है, तो यहाँ पे लेकिन 3 विद्यालयों का यहाँ पे सिर्फ निपुण होना ये थोड़ा सा चिंताजनक है, तो घोसी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें।
इन फ्यूचर जो प्लान बनेगा इन्हीं सब विद्यालयों को बनेगा कि कहाँ कहाँ के ब्लॉक कमजोर हैं, कहाँ कहाँ के ब्लॉक हमारे स्ट्रांग हैं। ठीक है, वही हाल यहाँ पे है, डाटास वही सब है। ठीक है, अब शिक्षक संकुल देख लिया जाए तो चूंकि हम मैंने बताया था कि एआरपी अलग होते हैं और शिक्षक संकुल अलग होते हैं, तो शिक्षक संकुलों का अगर देख लिया जाए तो रतनपुरा, परदहा और रानीपुर। रतनपुरा है, परदहा है और रानीपुर। रतनपुरा है, परदहा है और रानीपुर, ये आपके टॉप थ्री विद्यालय हैं। और यहाँ पे देखिए नगर क्षेत्र कुपागंज और मोहम्मदाबाद को ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, बॉटम थ्री क्या है आपके विद्यालय है। तो जिस भी आप क्षेत्र में, मऊ जिले की बात कर रहा हूँ, जो भी अध्यापक ये वीडियो देख रहा है मऊ जिले का, अगर तो आप देख लें अपने ब्लॉक में क्या स्थिति है और कोशिश ये करें कि अपने विद्यालय को आप निपुण बनाइए, ताकि जो अगला हमारा निपुण असेसमेंट हो और उसके बाद जो हमारा ग्राफ निकल के आए तो आपके ब्लॉक का जो ग्राफ हो निश्चित तौर पर ऊंचा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तभी जाके कुछ अला भला हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यही है आपका, यही है समस्या। तो अब समस्या क्या है, समाधान क्या है, इसमें समस्या समाधान पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे क्या कारण, कारण क्या है, क्यों कारण क्या रहा। ठीक है, ठीक है, कि हमारा कारण क्या रहा, कारण क्या रहा कि हमारा विद्यालय क्या है हमारा इतना कम निपुण हो पाया। ठीक है, और फिर आगे करेंगे इसके हम समस्या समाधान लेके आएंगे। ठीक है, उस समस्या का समाधान लेके आएंगे, मैं बताने का प्रयास करूंगा कि क्या किया जाए, अब क्या कुछ हमारे को कदम उठाने की आवश्यकता है कि हमारा विद्यालय निपुण हो पाए, कौन कौन से कदम उठाए जाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे नवाचार हों कि हमारा विद्यालय क्या हो सके निपुण हो पाए। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा ताकि बताया जा सके कि चूंकि हर हर विद्यालय में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक वीडियो के जरिए अगर मैं वीडियो बना दूं तो हो सकता है कि विद्यालय विद्यालय तक वो चीज़ें पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में, अभी आपने देखा अपने ब्लॉक की हालत देखी, अपने ब्लॉक की व्यवस्था देखी कि कितने हमारे ब्लॉक में कितने विद्यालय हमारे निपुण है, अभी तो एक एक विद्यालय का डाटा यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाती है, एक एक विद्यालय का निकल जाता है कि हाँ कौन कौन सा विद्यालय निपुण है, कौन कौन सा विद्यालय निपुण नहीं है। अब इतने सारे विद्यालयों का अगर असेसमेंट हुआ है तो सबका यहाँ पे चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने ब्लॉक वाइज यहाँ पे चर्चा कर दी कि हाँ इस ब्लॉक में इतनी समस्याएं हैं। और जिस ब्लॉक में अगर मान लीजिए अध्यापक नहीं है, सीमित संसाधन है, वहाँ पे कुछ डाटा खराब आ रहा है, बात समझ में आती है, लेकिन और जो ब्लॉकों में जहाँ अध्यापक ठीक ठाक है, अनुपात समानुपात अध्यापकों का अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है कि डाटा वहाँ पे जो हमारे हो रहे हैं वो निचले स्तर पे आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो कारण को हम समझेंगे, कारण को समझने के बाद हम क्या करेंगे, एक समाधान लेके आएंगे कि हाँ कौन कौन से नवाचार अब अपनाए जाएं विद्यालयों में, ताकि वहाँ पे जो विद्यालय है वो अगला जब असेसमेंट हो उन असेसमेंट को क्या कर सके, हम बेहतर तरीके से संचालित करके अपना जो परसेंटेज है वो परसेंट क्या करते हैं बढ़ा सकें। तो अगली बार जब मुलाकात होगी, एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी कि क्या हो कि मऊ निपुण में पहले स्थान पे आ पाए। तो मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अनुमति दीजिए, इजाजत दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।